हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर इंपॉर्टेंट एनालिसिस वीडियो। कल से फ्रेश वीक स्टार्ट होने वाला है और सबसे बड़ा इवेंट है गाइस, जब कल मार्केट बहुत अच्छा आप लोग को पैसा बना के दे सकता है। तो ये एनालिसिस में आप लोग को गाइस यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम से 15 मिनट तक एनालिसिस करेंगे, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, नए लेवल्स बनाएंगे, लेवल्स पे कैसे गाइज आप लोग को ट्रेड प्लान करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है लेवल्स को, सारी चीज़ें। सो दैट इस गाइज यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा संडे का एनालिसिस थोड़ा डिटेल्ड होता है, सो दैट बिगनर्स भी सीख पाए, लर्निंग भी ले पाए कि लेवल्स कैसे बनाना है, एडजस्टमेंट करना है, सारी चीज़ें डिटेल में करेंगे। तो गाइज यहाँ पे ये एनालिसिस को पूरा देखना सो दैट आप लोग को अच्छी लर्निंग मिली, और लर्निंग मिलती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। उसके पहले गाइज यहाँ पे आपने अगर फिर निफ्टी कल गाइस यहाँ पे कल एक्सपायरी फिन निफ्टी का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, वो भी जाके चेकआउट कर लेना। और नए हो चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब चैनल को कर देना। होप यू गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, छोटा सा चैनल ग्रो करवाने में आप ही हेल्प करवा सकते हो। तो चलो सबसे पहले ये जो 5 पॉइंट्स है डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अदानी डेलॉयट की न्यूज जो चल रही है, यूट्यूब वीडियोज भी बहुत सारे देखे होंगे, न्यूज भी पढ़े होंगे, हैज अ ऑडिटर रिजाइन कर लिया है डेलॉयट ने। सिंपल सी बात है, इट इज अ निगेटिव फॉर द अदानी ग्रुप। तो नो डाउट गाइस यहाँ पे इसका इम्पैक्ट स्टॉक में तो गिरेगा ही गिरेगा, बट जो बैंकिंग स्टॉक है रिलेटेड टू अदानी, मोस्ट ऑफ द जैसे कि SBI, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्सर्न रहने वाला है उन स्टॉक के लिए। तो आप कल के दिन बहुत ज्यादा अच्छे गाइज आप लोग को रिटर्न मिल सकते हैं, बट गाइज यहाँ पे एक अंधाधुन ट्रेडिंग मत करना, लेवल्स टू लेवल्स ट्रेडिंग करना है, सारी चीजें। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा फॉलो हो सकता है, कौन से लेवल्स पे फॉलो हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे, बट इट इज अ निगेटिव न्यूज फॉर द अदानी। सिंपल सी बात है। और गाइज क्यू गाइज यहाँ पे उन्होंने रीजन भी दिया है, सबसे पहले गाइज यहाँ पे कल के गाइज यहाँ पे कल सबसे बड़ा, क्योंकि सेकंड पॉइंट वही रिलेटेड टू है सेबी को। गाइज यहाँ पे जो भी फाइल सबमिट करना है कोर्ट को, वो गाइज यहाँ पे 14 अगस्त को मतलब कल सबमिट करना है। तो इसके बाद भी क्या रिजल्ट आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन द केस ऑफ हिंडनबर्ग केस। सिंपल सी बात है, तो नो डाउट ऑलरेडी आप लोग को पता है कि हिंडनबर्ग केस में अदानी का गाइज जो भी स्टॉक कितने गिरे थे, बट अभी जो रिजल्ट आएगा सेबी एक्शन कैसे क्या रिजल्ट आता है उस फाइल सबमिट करने के बाद, तो गाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अदानी स्टॉक्स में। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये भी गाइज न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी गाइज आप लोग को देखते रहना है कि आप लोग को इसका भी रिजल्ट क्या आने वाला है। तीसरा पॉइंट, US इन्फ्लेशन डाटा निगेटिव है, ठीक है, तो यह भी निगेटिव इंपैक्ट है। फोर्थ पॉइंट, FII's डाटा बीरिश है, ये भी निगेटिव है। फिफ्थ पॉइंट, पैनिक सेलिंग एंड निगेटिव प्राइस एक्शन। नो डाउट आप लोग वीकली टाइम फ्रेम देख सकते हो बैंक निफ्टी का, कंटिन्यूसली 3 वीक से मार्केट गिर रहा है, ठीक है। आप लोग प्राइस एक्शन बिल्कुल निगेटिव है, पैनिक सेलिंग कहाँ से आ सकती है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट्स को गाइज आप लोग नोट डाउन कर लो। तो गाइज आप लोग देखो, अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो ये सारी चीजें देखना पड़ता है, ठीक है गाइज। यहाँ पे होप यू गाइज मेरे चैनल पे हो, कहीं पे भी आप लोग को ये अगर पता है तो ठीक है, अगर मेरे चैनल से पता चल रही है पहली बार तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, डेली ऐसे एनालिसिस करते रहेंगे। और गाइस यहां पे चलो अभी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अभी देखो वीकली टाइम फ्रेम से बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, तो अभी देख सकते हो मार्केट में गाइस यहां पे जो प्रीवियसली कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास, देखो यहां पे इसने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद एक गाइस आप लोग को मूवमेंट दिखाया। अभी देखो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट काम कर सकता है, अगर यहां पे सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगा तो नो डाउट आप लोग का ये जो स्विंग है आपको गाइस ये टारगेट मिल सकता है। तो दो लेवल्स आप लोग मार्क कर लेना है, ठीक है। ये जो प्रीवियस स्विंग है, अगर मार्केट देखो क्या करेगा, ये जो वीक का कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो आप लोग को एक फॉल दिखाएगा। कहां तक फॉल दिखाएगा, 43,350 तक आप लोग को टारगेट मिल सकता है गाइस। दूसरी लेवल आप लोग को मार्क कर लेना है गाइस, जब प्रीवियस वीक का हाई मार्क कर लेना है, सो दैट अगर अपसाइड वाला ये लेवल 44,091, जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है आप लोग को पोजिशनली कॉल खरीदना नहीं है, क्योंकि मार्केट में सेल ऑन राइट चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड अभी के लिए आप लोग को निगेटिव है, प्राइस एक्शन निगेटिव है, तो नो डाउट इसके ऊपर ही आप लोग को पोजिशनली कॉल खरीदनी है, तब तक के लिए आप लोग को पुट की तरफ ध्यान रखना है। तो कल चलते हैं गाइस, जब पे दो लेवल्स मिल गए वीकली टाइम फ्रेम पे, अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे देखो कितने खूबसूरत तरीके से अपन ने गाइस जब पे लेवल्स मार्क करे, आप लोग देख सकते हो यहां पे एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट में। देखो ये प्रीवियस सपोर्ट यहां था, अभी देखो सपोर्ट के पास से मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था गाइस, थोड़ा सा बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करने के लिए फिर से यहां पे ब्रेक डाउन जैसे ही मिला एक गाइस जब पे बहुत अच्छी एक रेड कैंडल बनी है। यहां पे देखो अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक करता है तो नीचे आप लोगों को कहीं पे भी सपोर्ट दिख रहा है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिख रहा है। एक सपोर्ट आप लोग देख सकते हो 43,600, उसके बाद 43,350, तो बड़े-बड़े टारगेट मिलने वाले हैं जैसे ही लो ब्रेक करता है। तो आप लोगों को क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पर जो गाइस यहां पे लो है वो मार्क करके रखना है। तो डेली टाइम फ्रेम का अपन ने लो मार्क कर लिया है, और चलते अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपने को क्या प्राइस एक्शन दिख रहा है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप लोग देख सकते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कितना खूबसूरत रेजिस्टेंस है अपसाइड गाइस यहां पे, तो बहुत
आने वाले दिनों में 45,100 की लेवल बहुत ज्यादा है। मतलब ये देखो 45,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है तो नो डाउट यहाँ पे जो भी सेलर्स है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएंगे जो बड़े टाइम फ्रेम पे आने वाली है। सिंपल सी बात है, तो इसके लिए वेट करना है। अगर आप लोगों को पोजिशनली कॉल खरीदना है तो इसके ऊपर ही, सिंपल सी बात है। अब कल के लिए क्या प्राइस एक्शन होने वाला है, अब ये जो फॉल आया है इसका 50% निकालेंगे गाइस, यहाँ पे यहाँ से निकालेंगे 50%, और 50% जो एरिया है अपन मार्क करेंगे यहाँ पे ये एरिया 50% वाला, ये करेंगे मार्क। और अभी करेंगे फिबोनाची को थोड़ा रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे देखो अभी छोटे टाइम फ्रेम पे आप लोग को ये दिख रहा है कि इसके ऊपर 44,600 के ऊपर आप लोग को कॉल की तरफ देखना है। तब तक क्या करेंगे, मार्केट देख सकते हो स्ट्रक्चर क्या है, जब भी मार्केट में एक राइज आ रहा है मार्केट सेल करा जा रहा है, तो नो डाउट 0.5 जब तक मार्केट अपसाइड सस्टेन नहीं करता तब तक आप लोग को कॉल की तरफ देखना नहीं है। तब तक मार्केट में क्या हो जाएगा गाइस, जब मार्केट में सेल ऑन राइज ही रहेगा। तो ये आप लोग को 1 रुपए ये वाला प्राइस एक्शन भी दिख रहा है। चलो कल के लिए प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है और कल के लिए क्या ट्रेड प्लान कर सकते हो, कैसे क्या लेवल पे ट्रेड प्लान करना है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अभी देखो प्रीवियसली शेयरिंग कौन से जोन से आई है, ये वाला जोन मार्क करेंगे। आप देख सकते हो प्रीवियसली जोन आप लोग को मार्क करना है। अब देखो फ्राइडे के सेक्शन में जो भी सेलिंग आए लोगों ने, देखो पुट्स लेकर बीटीएसटी लेके चले होंगे तो उनके एसएल कहां होंगे, सिंपल सी बात है यहां पे प्रीवियस स्विंग पे उनके एसएल होंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, छोटा सा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और अपसाइड जाता है तो कहां तक जाने वाला है मार्केट, तो गाइस सेलर्स कब एक्टिवेट होंगे, पहले सेलर्स तो यहां पे ही ट्राई करेंगे कि मार्केट यहां से गिरे। तो यहां पे अगर आप लोग को डबल टॉप या तो बड़ी रेड कैंडल दिख रही है तो पहला पुट आप लोग यहीं पे कर सकते हो, आप लोग का पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे इसकी जो जोन के ऊपर रहने वाला है। सिंपल सी बात है, अगर मार्केट गाइस यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद, फ्लैट ओपन होता है मार्केट गाइस यहाँ पे और नीचे चला जाता है और गाइस यहाँ पे अपसाइड नहीं जाता और नीचे चला जाता है तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा 44,120, मतलब यहाँ पे प्रीवियस डे का लो ब्रेक करने के लिए वेट करना पड़ेगा अगर फ्लैट ओपन होता है और नीचे जाता है तो। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे ऐसे ब्रेक करता है और आप लोग को 5 मिनट पे ऐसे रिटेस्ट कुछ मिलता है तो आप लोग एंट्री कर लेना, आप लोग की एंट्री यहाँ पे रहेगी, आप लोग का एसएल यहाँ पे रहेगा। सिंपल सी बात है, कॉल साइड में इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है इस लेवल तक 44,600 के आसपास, और ये रहेगा 0.5 लेवल। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो बड़े टाइम फ्रेम के लिए आप लोग को एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बट ये याद रखना मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट है, सेल ऑन राइज है, तो सिंपल सी बात है अगर मार्केट आप लोग को ये जो लेवल अगर निकालता नहीं है 44,400, तो याद रखना अगर आपको ऐसा अगर प्राइस एक्शन दिख रहा है कि प्रीवियस स्विंग नहीं निकल रहा है तो आप लोग को स्टॉप लॉसेस प्रीवियस स्विंग पे रखना है और आप लोग को बड़े टारगेट लेके जाना है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे आप लोग की एंट्री हो जाती है तो आप लोग को क्या करना है, प्रीवियस स्विंग का एसएल रखना है। प्रीवियस स्विंग का एसएल अगर हिट नहीं होता तो बड़े टारगेट के लिए जाना है। देखो नीचे बहुत बड़े बड़े टारगेट हो गए आप लोग देख सकते हो, अगर देखो यहाँ पे आपने एंट्री कर ली तो आप लोग को एक छोटा सा हर्डल देखने को मिल सकता है जो साइकोलॉजिकल लेवल है 44,000, बट इसके नीचे बहुत बड़े बड़े टारगेट है। देखो गाइज यहाँ पे आपने अगर एक बार एंट्री कर ली तो अगर प्रीवियस स्विंग अगर आपका ब्रेक नहीं होता तो गाइज आप लोग को बड़े बहुत बड़े बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। होप यू गाइज बैंक निफ्टी के एनालिसिस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, पर्सनल डाउट है तो आप लोग गाइज यहाँ पे व्हाट्सएप पे रिसर्च हो, व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो अभी चलते हैं निफ्टी की तरफ, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग को क्या दिख रहा है निफ्टी में, आप लोग देख सकते हो देखो 3 वीक से कंटिन्यू तो रेड कैंडल दिख रही है, पर एज कंपेयर टू द बैंक निफ्टी ये ज्यादा गिरा नहीं है। बट वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग दिख रहा होगा कि यहाँ पे देख सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो सपोर्ट है मार्केट ने निकाला नहीं है, तो ये सपोर्ट अपन मार्क कर लेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अपन चलते उसके बाद यहाँ पे वहाँ पे भी क्या दिख रहा है सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट अभी वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो सपोर्ट है स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम का प्रीवियस वीक का जो हाई है वो मार्क कर लेंगे। चलते अभी डेली टाइम फ्रेम पे, डेली क्या टाइम फ्रेम पे कैसे क्या डेवर्स को एडजस्टमेंट करना है ये सारी चीजें देखेंगे। यहाँ पे देखो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, यहाँ पे देख सकते हो अपसाइड में भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना प्रीवियस स्विंग, यहाँ पे दो लेवल्स बहुत अच्छे लेवल्स आप लोग को मिल रहे और गाइस यहाँ पे प्रीवियस डे का लो मार्क कर लेना। 3 लेवल्स ऐसे मिल रहे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इसके ऊपर कॉल जो पोजिशनली आप लोग को निफ्टी में कॉल खरीदना है तो 19,650 के ऊपर ही आप लोग कॉल खरीद सकते हो। और गाइस यहाँ पे मार्केट अगर लो निकालता है प्रीवियस डे का तो आप लोग को एक देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग को गैप दिख रही हो और कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है तो नो डाउट यहाँ पे नीचे का एक सपोर्ट है 19,298, मतलब 300 का सपोर्ट है। तो नो डाउट अगर लो निकालता है तो कहीं ना यहाँ पे मार्केट गाइस यहाँ पे गैप फील करेगा। देखो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिर सकता है बट निफ्टी में भी आप लोग को 100 पॉइंट का
टारगेट मिल सकता है। होप यू गाइस ये तीन लेवल्स आपने मार्क कर लिए होंगे। चलते अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और 1 आवर पे क्या प्राइस सेक्शन दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे लेवल्स कैसे मार्क करा है अपन ने आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग को प्राइस सेक्शन दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने 2-3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। तो आने वाले दिनों में अगर गाइस यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है कॉल साइड में। तब तक के लिए कॉल साइड को देखना नहीं है। बट अभी देखो गाइस यहाँ पे मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बना है। जब भी राइज आ रहा है गाइस यहाँ पे बेचा जा रहा है, तो सेल ऑन राइज चल रहा है। देखो प्राइस एक्शन बेस्ट प्राइस एक्शन क्या कैसा बनेगा अगर मार्केट देखो इस जोन में अगर कल जाके ओपनिंग होता है इस जोन में, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का मार्क कर लेना। ये जोन में अगर मार्केट ओपन होता है, प्रीवियस स्विंग अगर ब्रेक नहीं करता है, तो मार्केट क्या करेगा ऐसे ही कुछ आप लोग का एक नया स्विंग लगाते मार्केट ये आप लोग को टारगेट दे देगा। बट ये याद रखना अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या तो गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट अपसाइड जाता है तो प्रीवियस स्विंग अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो लोग गए जब बीटेस लेके जाएंगे इन लोग के स्टॉप लॉस हिट होंगे और गाइस यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती हो। तो कहाँ तक अपना टारगेट रहने वाला है 19,550 तक आप लोग का पहला टारगेट रहने वाला है। बट यहाँ से भी सेलर्स कहाँ से एक्टिव होंगे, पहले सेलर्स यहाँ से ट्राई करेंगे, दूसरे सेलर्स यहाँ से ट्राई करेंगे, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पे सेलर्स का जब तक गाइस यहाँ पे ये लेवल ब्रेक नहीं कर देंगे तो सेलर्स एक्टिवेट है मार्केट में, कहीं पे भी सेलिंग आ सकती है। बट आप लोग को गाइस यहाँ पे प्रीवियस स्विंग पे 5 मिनट पे अगर देखो यहाँ पे चलते अभी 50 मिनट पे और कल के लिए क्या ट्रेड प्लान रहेगा वो डिस्कस करेंगे। अभी देखो यहाँ पे 50 मिनट पे आप लोग को अच्छा प्राइस सेक्शन दिख रहा होगा, ये वाला जोन मार्क कर लेंगे सो दैट कल के लिए गाइस यहाँ पे अगर आप लोग को यहाँ पे पुट साइड में एंट्री मिलती है तो कर लेना, ठीक है। अब देखो कल जाके मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या तो छोटा सा गैप अप ओपन होता है और गाइस यहाँ पे अपसाइड निकलना चालू करता है और यहाँ पे आप लोग को या तो डबल टॉप या तो गाइस यहाँ पे बड़े रेड कैंडल दिख रही हो ऐसी कुछ गाइस आप लोग को गाइस एंट्री करना है और आपको इस जोन के ऊपर आप लोग को एसएल रखना है और आप लोग का पहला टारगेट ये रहेगा। देखो अगर यहाँ पे ये ट्रेड अगर सक्सेसफुल होता है तो मार्केट गाइस कहीं ना कहीं मार्केट नीचे ही जाते हुए देखेगा, सिंपल सी बात है। और गाइस यहाँ पे बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो गाइस वेट करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा गाइस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और उसके बाद आप लोग को निकले तो यहाँ पे आप लोग की एंट्री रहेगी, आपका एसएल यहाँ पे रहेगा। और गाइस यहाँ पे बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो आप लोग को 1 मिनट या तो 5 मिनट पे जैसे ही पुल बैक आए तब जाके आप लोग को एंट्री करना है क्योंकि आप लोग का टारगेट बहुत बड़ा है, 19,300 आप लोग का टारगेट रहेगा, सिंपल सी बात है। देखो कॉल साइड के लिए आप लोग जब भी एंट्री करोगे कल के दिन या तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट वीक जब तक गाइस यहाँ पे ये लेवल ब्रेक नहीं करता तो कॉल साइड में आप लोग को मिनिमम लॉट के साथ ही एंट्री करनी है। होप यू गाइस ये तो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि गाइस यहाँ पे अपसाइड में बहुत सारे लेवल्स पे रेजिस्टेंस है, कभी भी सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो कॉल साइड में छोटे लॉट के साथ काम करना है और पुट साइड में आप लोग हेवी लॉट के साथ खेल सकते हो, ठीक है। रिटेस पे एंट्री करना है। अभी भी कोई भी डाउट्स है निफ्टी के एनालिसिस में आप लोग कमेंट में बता सकते हो, पर्सनल डाउट व्हाट्सएप पे रिचार्ज करो, टेलीग्राम पे ऐसे लोग ज्वाइन हो जो लोग गाइस यहाँ पे लर्निंग चाहते हैं क्योंकि वहां पे मैं प्राइस एक्शन चार्ट पे बनता है तो अपडेट देता हूँ और कुछ चीजें गाइस यहाँ पे मैं अपडेट करते रहता हूँ सो दैट आप लोग ज्वाइन हो जाओ। कॉल एंड पुट के इंटेंशन के साथ ज्वाइन मत होना। होप यू गाइज आप लोग को मेरा एनालिसिस पसंद आ गया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड लाइक तो कर ही देंगे और गाइज यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे लर्निंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।